दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग तो ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन कोई इमरजेंसी काम आने के कारण से उस डेट में हम सफ़र नहीं कर पाते, इसीलिए सोचते हैं कि हम ट्रेन टिकट कैंसिल कर लें। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि ट्रेन टिकट कैसे कैंसिल किया जाता है पेटीएम एप्लीकेशन से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर में देखिए प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे कि 3 लाइन बना हुआ है, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर एंड बुकिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑर्डर एंड बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जिस भी व्यक्ति का ट्रेन टिकट आपको कैंसिल करना है उस व्यक्ति का नाम आ रहा होगा, उस नाम पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद अच्छी तरह से देख ले कि आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करना है तो यहाँ पे करना है। तो ऊपर में देखिए कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है, तो कैंसिल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मेंबर का टिकट बुकिंग किया हूँ। अगर आपको 1 मेंबर का कैंसिल करना है तो 1 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोनों का कैंसिल करना है तो दोनों वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हमको दोनों कैंसिल टिकट करना है तो यहाँ पे प्रोसीड विथ कैंसिल पे आप क्लिक करेंगे कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ट्रेन टिकट जो है कैंसिल हो चुका है, योर कैंसिल इज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी पैसा रिटर्न होगा यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको तुरंत ही रिटर्न पैसा कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे व्यू बुकिंग समरी पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप पेटीएम से ट्रेन टिकट बुक किए हैं तो पेटीएम से आप कैंसिल भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा टोटल 1125 रुपया लगा था और रिफंड अमाउंट 830 रुपया यहाँ पे आया है। उसके बाद यहाँ पे 240 रुपया कट चुका। तो सभी का अलग अलग होता है कैंसिल चार्ज, तो मेरा 240 रुपया कटा, तो रिफंड अमाउंट 830 रुपया यहाँ पे आ चुका है, तुरंत ही आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कैंसिल टिकट करना चाहते हैं ट्रेन का तो 4 से या 5 से 6 घंटा पहले आप कैंसिल करेंगे, तब आपका रिफंड अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जो है पेटीएम एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको जानकारी कुछ भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में वीडियो आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें पूछ सकते हैं।